कहते हैं कि संसार में सबसे बड़ी कीमती चीज यदि कोई है तो वो मनुष्य को ध्यान के रूप में ही प्राप्त हो सकती है। यदि आप अपने जीवन के कर्म को बदलना चाहते हैं तो ध्यान करना शुरू करें। ध्यान इंसान के पूर्व कर्मों को भी काट देता है। एक ऐसी कहानी जो आपको आपके जीवन में बदलाव ला देगी, जो ये बताएगी कि ध्यान कैसे आपकी जिंदगी बदल सकता है। चलिए इस कहानी के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। एक बार एक राज्य के राजा ने अपने महल में एक बौद्ध भिक्षु को बुलाया। राजा ने भिक्षु से कहा, अगर आपसे कुछ मांगूंगा तो क्या आप मुझे दोगे? बौद्ध भिक्षु ने कहा, जरूर, बताइए क्या चाहिए आपको। राजा ने कहा, क्या आप मुझे अपना भिक्षा पात्र दे सकते हैं? बौद्ध भिक्षु ने बिना कोई प्रश्न किए अपना भिक्षा पात्र राजा को दे दिया। अब सिर्फ तन पर कपड़ों के अलावा कोई सांसारिक वस्तु उस भिक्षु के पास नहीं थी। राजा ने बदले में बौद्ध भिक्षु को एक बड़ा सा सोने का कटोरा दे दिया जिसमें चारों तरफ मोती जड़े हुए थे। अब बौद्ध भिक्षु ने उस कटोरे को हाथ में लिया और जंगल में बनी अपनी कुटिया की तरफ चलने लगा। रास्ते से गुजर ही रहा था कि एक चोर ने उसके हाथ में वो बेश कीमती सोने का कटोरा और उसमें जड़े बेश कीमती मोतियों को देखा। चोर के मन में उस कटोरे को चुराने का लालच आ गया। वो तभी से बौद्ध भिक्षु का पीछा करने लगा। तब बौद्ध भिक्षु ने महसूस किया कि एक चोर उसका लगातार पीछा कर रहा है। उसने सोचा कि सोने की कटोरी की वजह से ही शायद ये चोर उसकी मानसिक शांति को खराब करना चाहता है और उस चोर को इस कटोरी को चुराने के लिए कुछ ज्यादा ही मेहनत भी करनी पड़ेगी, इसलिए ये कटोरा उस चोर को ही दे देना उचित होगा क्योंकि मुझे इस कटोरे से कोई लालच नहीं है। फिर जब वो भिक्षु अपनी कुटिया के द्वार पे पहुंचे तो उन्होंने सोने के कटोरे को कुटिया के बाहर फेंक कर अपनी कुटिया में चले गए। अब चोर एक पेड़ के पीछे छुपा ये सब कुछ देख रहा था। चोर ने जब देखा कि भिक्षु सोने का पात्र ही बाहर फेंक कर कुटिया में चला गया तो उसके मन में विचार आया कि क्या ये पात्र इतना कीमती है, क्या इसकी कोई मूल्य है। उसे लगा शायद ये नकली है। उसे लगा कि शायद उस कुटिया में उसने और भी ज्यादा बहमूल वस्तु छुपा रखी होगी जिसकी कीमत इतनी हो कि जैसे कि उसने इस पेश कीमती कटोरे को उठाकर फेंक दिया, इसका मतलब अंदर बहुत कुछ है जिसकी कीमत इतनी है कि शायद एक राजा भी न चुका सके। अब वो ये सोचकर कुटिया के अंदर जाने का प्रयास करता है। कुटिया के अंदर वो बौद्ध भिक्षु ध्यान में पूरी तरह से लीन होता है। अब चोर दबे पांव कुटिया के अंदर प्रवेश करता है, चारों तरफ नजर घुमाकर देखने लगता है, लेकिन पूरी कुटिया पूरी तरह से खाली थी। एक भी बहुमूल्य धातु वहां नहीं थी। ये सोचकर चोर और भी ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाता है। चोर मन ही मन सोचने लगता है कि जब इस बौद्ध भिक्षु के पास कुछ भी नहीं है तो उसने सोने के कटोरे को कुटिया के बाहर फेंका ही क्यों। फिर उसने खुद से कहा, इससे मुझे क्या, इस साधु के पास कुछ हो ना हो मुझे उस कटोरे को लेकर यहाँ से निकल जाना चाहिए। चोर कुटिया के बाहर जाकर उस कटोरे को उठाने लगा। तभी उसके मन में फिर से वही प्रश्न कौंधा कि आखिर उस भिक्षु के पास ऐसा क्या है कि उसे इस सोने की कटोरी की परवाह नहीं। अब उसके अंदर इस प्रश्न का जवाब जानने की जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी, इसलिए वो फिर से कुटिया के अंदर जाता और जाकर बौद्ध भिक्षु के पास बैठकर उसकी आंखें खुलने का इंतजार करने लगता है। थोड़ी देर बाद जब बौद्ध भिक्षु अपनी आंखें खोलते हैं तो वो उसी चोर को अपने सामने बैठा लाते हैं जो उनका पीछा कर रहा था। भिक्षु उस चोर को देख कर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, तुम आ गए। चोर ने कहा, मैंने आपका बहुत दूर से इस कुटिया तक पीछा किया, मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि आपने सोने के कटोरे को कुटिया के बाहर ही क्यों फेंक दिया। आखिर आपके पास ऐसा कौन सा धन है जो मोतियों और सोने से बने कटोरे से भी ज्यादा बहुमूल्य है। अभी सुनकर भिक्षु मुस्कुराए और बोले, मेरे मित्र, मेरे पास एक ऐसा खजाना है जिसे तुम देख नहीं सकते। चोर ने फिर से जिज्ञासा भरे मन से पूछा, ऐसा खजाना, कौन सा खजाना है, मुझे तो कहीं कोई खजाना नहीं दिखाई पड़ता।
आप मुझे बताएंगे कि वो खजाना कौन सा है, कहाँ पर है? तो भिक्षु बोला, मेरे पास ध्यान का खजाना है, जिसके सामने दुनिया की सारी दौलत भी फीकी है। अगर वो मेरे लिए कीमती ना होती तो मैं सोने के कटोरे को कभी नहीं फेंकता। वो इतनी कीमती है कि जिस व्यक्ति ने उसका मूल्य जान लिया, उसे किसी भी सांसारिक वस्तु के प्रति लगाव नहीं रह जाता है। वो ध्यान का खजाना इतना कीमती है कि तुम्हारे अंदर के हजारों गुणों को निखार देता है। वो ध्यान का खजाना इतना कीमती है कि बड़े से बड़े लोग भी तुमसे मिलने को आतुर हो जाएंगे। और वो ध्यान का खजाना इतना कीमती है कि तुम्हारी बौद्धिक क्षमता को वो इतना बढ़ा देगा कि तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। तब वो चोर उस महात्मा के पैर पकड़ लेता है और कहता है कि महात्मन, मुझे माफ कर दे, मैं एक लुटेरा हूँ। मैं यहाँ आपको लूटने के उद्देश्य आया था, लेकिन आप तो एक संत निकले। आपने मुझे इस दुनिया की कोई धन दौलत नहीं चाहिए। क्या आप मुझे इस ध्यान के खजाने से छोटा सा हिस्सा दे सकते हो, ताकि मैं भी अपनी जिंदगी को बहुत कीमती बना सकूं? बौद्ध भिक्षु बोले, हाँ क्यों नहीं, अगर तुम चाहो तो तुम भी मेरी तरह ध्यान के माध्यम से सुकून, संतुष्टि और शांति रूपी खजाने को प्राप्त कर सकते हो। और इसके लिए तुम्हें ध्यान लगाना सीखना होगा। ध्यान में बहुत ताकत होती है। ये ऊर्जा को स्थिर करके मन को स्थिर करती है, बेवजह के विचारों को खत्म करती है, तुम्हारे अंदर की लालसा को खत्म करती है। और जब लालसा ही नहीं रहती है तो मन में बेवजह के विचार आने खत्म हो जाते हैं। मन परम शांति को प्राप्त होता है, अद्भुत सुकून का एहसास होता है और हम जीवन का आनंद वास्तविक रूप से ले पाते हैं। ध्यान करने के लिए तुम्हें एक शांत, सुरक्षित और आरामदायक स्थल की जरूरत होती है। फिर वहां पर जमीन पे एक चारपाई या चटाई बिछाकर तुम उस पर चौकड़ी मारकर बैठ जाना। तुम्हें अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना है, आंखें बंद रखनी है और गहरी सांस लेनी है। तुम्हें अपनी दोनों हथेलियां अपने घुटनों पर ऊपर की तरफ रखनी है और इसे ध्यान मुद्रा कहते हैं। तुम्हें अपना ध्यान अपनी सांसों की तरफ केंद्रित करना है। तुम्हारी सांसें जितनी ज्यादा छोटी और गहरी होती हैं, उतना ही ज्यादा तुम ध्यान के सागर में डूबते जाओगे। तुम्हें अपनी हर एक आने जाने वाली सांस पर ध्यान केंद्रित करना है। अगर तुम्हारे मन में बार बार विचार आ रहे हैं तो इसका मतलब तुम सांसों की तरफ ध्यान केंद्रित नहीं कर रहे हो। धीरे धीरे तुम्हारे मन से विचार समाप्त होने लगेंगे। धीरे धीरे मन शून्य होने लगेगा, मन बहुत हल्का महसूस करेगा और उसी वक्त से ध्यान का वो विस्तार बढ़ने लगेगा, जब तुम्हें परम शांति और आनंद की अनुभूति होने लगेगी। और धीरे धीरे तुम्हारी सांसें लंबी और गहरी होती जाएंगी और यही ध्यान की गहरी और अनंत अवस्था है। यहाँ एक या दो दिन में ये प्रयास नहीं हो सकता, तुम जब इसे रोजाना करोगे तब जाकर ये तुम्हारे अंदर आएगा। अब उसके बाद से उस चोर ने चोरी डाका छोड़कर नियमित रूप से ध्यान लगाना शुरू किया और कुछ ही दिन में चोर को खुद में बहुत बड़ा परिवर्तन महसूस हुआ और धीरे धीरे उसने अपनी नकारात्मक जिंदगी को छोड़कर अपने अंदर सकारात्मक ऊर्जा भरी और ध्यान की शक्ति से वो जीवन में बहुत आगे निकल गया।